राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा नाम शिवम पाठक है और मैं जौनपुर के उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जो कार्य आप कर रहे हैं, वो कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे युवाओं को जोड़ सकता हूँ ठाकुर जी की भक्ति के लिए? जैसे वो समझते हैं कि उनको वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे वो अपने आप को कूल समझते हैं वेस्टर्न कल्चर अपना के, तो उन्हें मैं ठाकुर जी की तरफ कैसे आकर्षित कर सकता हूँ? मेरा ये सवाल है कि देखिए, क्या नाम बताया? शिवम। शिवम, जी 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 आप गुरु जी। हमारी बात को एक बात समझ लीजिए। अभी मैंने हमेशा से एक बात कही है, जो देखता है, जो सुनता है, वही बोलता है और वही करता है। आपने कथाओं को सुना तो आपके माथे पे तिलक आ गया, उन्होंने फिल्में देखी तो उनके कपड़े कम हो गए, उनकी वाणी बदल गई। आप वो जब बोलेंगे तो राधे राधे बोलेंगे, वो जब बोलेंगे तो आई एम कूल बोलेंगे, और वो जब कूल होंगे तो उनसे पूछो, जब वो चिता में चढ़ेंगे तब भी कूल रहेंगे? तब वो नहीं रहेंगे, क्योंकि तब उनके कर्म उनको जला रहे होंगे। लेकिन आपका जो कर्म है आपको उस समय भी कूल रखेगा। तो ये डिफरेंस है इन सब चीजों में। हमें जो बचपन से या जिनका संग हम लोग करते हैं, आप याद रखिए, हमेशा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, रामायण में एक चीज कही गई है, जैसे व्यक्ति का संग आप करेंगे आपका जीवन वैसा बन जाएगा। तो उन लोगों ने गलत लोगों का संग किया, ये उनका दुर्भाग्य, उनके गलत लोगों को उनको संग मिला। और गलत लोगों का संग करके उनको वो जो दूसरी लॉबी है, जो कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, हम संस्कृति को नहीं मानते, अरे भाई पैदा हुए हो तुम धर्म के अनुसार ही, तुम मानो ना मानो ये अलग बात है। कोई कहे कि मैं अपने बाप को नहीं मानता तो नहीं मानो, देखिए बाप तो बाप ही रहने वाला है। ठीक वैसे ही उन लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ी बात है। एक और मुझे बात अच्छी लग रही है, याद आ रही है, जो सोया हुआ है उसे आप जगा सकते हो, जो सोया हुआ है उसे आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का ड्रामा कर रहा है उसे आप नहीं जगा सकते। ये वो ड्रामेबाज लोग हैं जो ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। ईमानदारी से पूछो, जब इनके एग्जाम के रिजल्ट आने वाले होते हैं ना, तब ये पूरे मम्मी पापा दादी दादा सबको लेके मंदिर में बैठ के भगवान को मान रहे होते हैं उस समय। कब जब विपत्ति पड़ती है तो भगवान को ही याद कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि लाइफ गंदे तरीके से जीनी है इसलिए हम नहीं मानते, क्योंकि सत्य बोलने के लिए देव शास्त्र कहते हैं और हम सत्य बोलते नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, वो हम करना चाहते नहीं, क्योंकि हमें तो फ्रेंडों ने यही सिखाया। तो इन सब चीजों को जो गलत संग मिल जाएगा वो गलत तरीके से ही काम करेगा। लेकिन जब बुरे लोग बुराई नहीं छोड़ सकते, तो अच्छे लोगों को अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। तो आपको जितना भी संभव हो सके उन्हें अपने शास्त्रों की बातों को, पुराणों की बातों को, जो आप कथाओं से सुनते हैं, जो आपने कथाओं से सुना है, उनको सुन सुन के उन लोगों को भी सुनाइए, उन्हें समझाइए। और मैं गारंटी से कहता हूं, सनातनी अगर ये प्रण कर लें कि हमें लोगों को, यूथ को सुधारना है, निश्चित यूथ में बदलाव आ रहा है। मैं ये पूरा नेगेटिव में नहीं हूंगा, मैं पॉजिटिव विचार के साथ भी चलूं, तो मैं आज जब कथा करने कहीं भी जाता हूं तो पॉजिटिव युवाओं की संख्या कम नहीं है, युवाओं की संख्या कम नहीं है, माथे पे तिलक लगाने वालों की संख्या कम नहीं है। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि वो जो दूसरी विचारधारा है वो हमसे ज्यादा है। तो उस विचारधारा को पुरातन विचारधारा में बदलने के लिए प्रत्येक सनातनी को डे बाय डे प्रयास करते रहना चाहिए कि जो मेरे सानिध्य में आ रहे हैं, जो मेरे संग में आ रहे हैं, मैं उन्हें अपने धर्म का, अपने पुराण का, अपनी कथाओं का सत्य बता सकूं। तो वो सत्य क्या है? राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, धर्मराज ने क्या किया, ध्रुव ने क्या किया, प्रहलाद ने क्या किया है, इन सब के लिए भगवान ने क्या किया। जब इन सब चीजों को आप उनसे डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि 2 दिन 4 दिन वो आपकी बात ना माने, लेकिन उनके दिमाग में कीड़ा जरूर होगा, क्योंकि उनको गलत रास्ते पे ले जाने वाला भी एक कीड़ा ही था, जो विचार का कीड़ा था, किसी ने डाला था उनके दिमाग में, वो इतना प्रभावी था कि वो उस पर चल पड़े। लेकिन जब हम भक्ति का और धर्म का कीड़ा उनके दिमाग में डालेंगे कि नहीं यही सत्य है, वो तो हमारा तो सत्य है, तो एक दिन वो भी निश्चित उस दिशा में चलेंगे और उनका भी भला होगा। प्रयास करते रहना चाहिए, उस प्रयास को करेंगे तो आप अपने जीवन में अगर 100 लोगों को भी सही दिशा दिखा पाए तो ठाकुर जी आपको देखकर प्रसन्न होगा, और 100 घरों को आप खुशियां दे सकेंगे, 100 घरों को आप खुशियां दे सकेंगे, आप सोचो ये कितना बड़ा पुण्य होगा। तो ये प्रयास जारी रखना चाहिए, जो कथाओं से, पुराणों से, रामायण से आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो जरूर उन लोगों के साथ शेयर करना चाहिए।